ज्ञानवापी में मिले जिस शिवलिंग को लेकर देश दुनिया में चर्चा है, उसको लेकर अदालत में कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग से बेअदबी हुई, इसको फव्वारे में तब्दील करने की कोशिश हुई। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। क्या ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई? क्या शिवलिंग से बेअदबी की गई? क्या शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश की गई? ज्ञानवापी परिसर में मिली इसी आकृति को लेकर देश भर में धार्मिक भावनाएं चरम पर हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के पहले ही दिन कुछ घंटों के भीतर जब वकील बाहर निकले और बाबा मिल गए की आवाज उठाई तो साफ हो गया कि ये मामला सरगर्म रहेगा और यही हो रहा है। हिंदू पक्ष ने पुरजोर मांग उठाई कि ज्ञानवापी के भीतर शिवलिंग ही मिला है। गुरुवार को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के अपने दावे को फिर पुरजोर ढंग से उठाया और आरोप लगाया कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई, 63 सेंटीमीटर का छेद जानबूझकर किया गया, शिवलिंग को फव्वारा बनाने की साजिश की गई। कमीशन रिपोर्ट साफ बताती है कि हिंदू मंदिर था और शिवलिंग मिला है। जब शिवलिंग मौजूद है तो इसी से साफ हो जाता है कि धार्मिक स्वरूप किसने बदला। कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है 63 सेंटीमीटर का छेद और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के कंट्रोल में प्रॉपर्टी, उन्होंने उसको रोक दिया है और वो वीडियोग्राफ भी है, जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाई। स्टोर रूम में वो मौजूद है बिल्कुल जी, जो उसके चक्री है जिसपे जिसको फुवारा कहते हैं वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है और जब कमीशन की कार्रवाई होगी, कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा तब हम बताएंगे। मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि मस्जिद के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवलिंग के बहाने हिंदू पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष ने ही मंदिर का स्वरूप बदला है। गुरुवार को वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मुद्दे की सुनवाई हुई। दो मसलों पर कोर्ट को गौर करना था, श्रृंगार गौरी केस सुनवाई करने लायक है या नहीं और हिंदू पक्ष का केस क्या 1991 एक्ट के खिलाफ है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, वही दलीलें जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। मसलन, श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक नहीं है। हिंदू पक्ष का केस पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाता है। जानबूझकर शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई गई है। शिवलिंग की अफवाह फैलाकर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। गुरुवार को दलीलों का दौर काफी लंबा चला, अब सोमवार को दोबारा मामले की सुनवाई होगी। अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।